मैंने इस तरीके से इसको ओपन कर दिया, लीफ को, एलोवेरा की लीफ को दरमियान से मैंने इस तरह ओपन कर दिया, और इसमें मैंने इस तरीके से ये सारे डाल दिए। ये देखें, मेथी के बीज डाल दिए। अब मैंने इसको इस तरह बंद कर दिया ऐसे, ठीक है, और बंद करके इसके अंदर ये कपड़ा है, इसके अंदर जूं लपेट दिया। जूं लपेट के मैंने इसी तरह ट्रे में रख दिया है। ट्रे में रख के मैंने ये 3 दिन के लिए इस तरीके से मैंने रख दिया। उसके बाद बनाई, उसके बाद मैंने इसको ओपन किया। ओपन करके तो मैंने ना ये देखे, 3 दिन के बाद इसकी शक्ल ये हो जाती है, ये शक्ल हो जाती है, और इसके बीज इस तरीके से बाहर निकल आते हैं। ये देख, ये सारे बीज हैं इसके जो पौधे बन चुके हैं। पौधे बन चुके हैं, ये पौधे बन चुके हैं। ये देखिए, ये ऊपर से सारे पौधे बन चुके हैं, ये सारे पौधे बन गए। और इसके इसमें अब हमने ये ऑयल में डाल देने, ये सारे जो पौधे जो निकले हैं ना, इसको हमने ऑयल में डाल दें, इस तरीके से ऑयल में डाल के। ये देखें, ये पौधे हमने ऑयल में डाल दिए। अब मैं इसको ना आग जलाऊंगी, और उसके बाद मैं इस और ये बहुत अच्छा तेल है, बड़ा अच्छा ऑयल होगा ये, आप इस्तेमाल करके देखिए, ज़रूर ट्राई करें आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें कितना अच्छा कलर हो गया इसका तेल का, ऑयल का, ये और खुशबूदार है, मेरे हिसाब से तो खुशबूदार है, लेकिन ये है कि किसी को ये स्मेल अच्छी नहीं लगती। अब मैं ये देखें बेबी के सर में लगाने लगी हूँ। ये देखें, ऐसे सर के अंदर लगा रहे ऐसे, और इसके सारे लगाएं, बालों बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। बच्चों के भी सरों में लगाएं, बड़ों के सरों में लगाएं, और ये बड़ी बात है कि जुए शुएँ भी नहीं पैदा होने देते। इस तरह इनके सरों में लगाएं, अच्छा सा लगा के, तो फिर इनको 2-3 घंटे बाद नहला दें।